हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए एक स्पेशल चटनी। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनती है और कोई भी व्रत का खाना आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए इस चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। व्रत की चटनी बनाने के लिए हमें लगेगा 3 से 4 हरी मिर्च, 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल। अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल लीजिए, उसे ग्रेट करिए और 30 मिनट के लिए पानी में रख दीजिए और फिर बाद में यूज़ कीजिए। आपको वो बिल्कुल ताज़े नारियल जैसा ही स्वाद देगा। उसके बाद हमें लेना है स्वादानुसार सेंधा नमक, चटनी को खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए 1 टीस्पून चीनी, 2 टीस्पून रोस्टेड की हुई मूँगफली और उसके साथ ही हमें लगेगा 15 से 17 किशमिश। तो आज हम इस चटनी में किशमिश का यूज़ करेंगे, इससे जो चटनी में फ्लेवर आएगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। अब हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार, उसमें हम सबसे पहले नारियल ऐड करेंगे, उसके बाद हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर हम ऐड करेंगे किशमिश, मूंगफली। मूंगफली ऐड करने से हमारी चटनी को एक अच्छी सी थिकनेस मिलेगी। उसके साथ हम ऐड करेंगे चीनी और सेंधा नमक, आप चाहे तो इसकी जगह रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लेंगे। इसे ग्राइंड करने के बाद अब चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, हमें इसे और पतला करना है तो हम और पानी ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपको चटनी थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है तो आप कम पानी यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और अब इसे ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी भी है और थोड़ी सी पतली भी है। तो है ना ये आसान और झटपट बनने वाली चटनी। तो इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर से थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इस चटनी को ठंडा भी सर्व कर सकते हो। तो आप इसके साथ व्रत का कोई भी खाना एंजॉय कर सकते हो, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो मैं यहाँ पे इसे साबुदाने वड़े के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो इस चैनल पर मैंने साबुदाने वड़े की रेसिपी भी अपलोड की है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी। तो आप भी इस व्रत की डिश को जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।